अब हम देखते हैं पीसो। पीसो का मतलब है पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। तो पैरेलल इन सीरियल आउट का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो आपका डेटा जाएगा वो पैरेलली जाएगा डिवाइस के अंदर और हम उसे सीरियली गेट करेंगे फ्रॉम द आउटपुट साइड, ठीक है। तो कैसे होता है ये हम देखते हैं एक लॉजिक डायग्राम से। ये देखिए आपका हम यूज़ कर रहे हैं डी फ्लिप फ्लॉप, थोड़ा सा नीचे से बनाती हूँ मैं। हम यूज़ कर रहे हैं 4-bit रजिस्टर। 4-bit रजिस्टर में हम ये ऑपरेशन देख रहे हैं कि कैसे इसमें वर्क होगा, ठीक है। तो ये मैंने ले लिए हैं 4 D फ्लिप फ्लॉप और इनका इनपुट ले लिया हमने D3 D2 D1 एंड D0 और आउटपुट भी इसी तरह से Q3 Q2 Q1 एंड Q0, ठीक है। ये मेरी फ्लिप फ्लॉप है D फ्लिप फ्लॉप, ओके। अब क्या हो रहा है पैरेलल इन जाएगा डेटा, तो हमें यहाँ पे एक यूज़ करना पड़ेगा, अलग डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पे डेटा पैरेलली हमें इन भी कराना है और सीरियली हमें आउट भी कराना है। तो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर कैसे हम यूज़ करेंगे, हम लगाएंगे एक आउटपुट पे मल्टीप्लेक्सर, किसके फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे लगाएंगे हम मल्टीप्लेक्सर। आउटपुट पे कैसे मल्टीप्लेक्सर हम यूज़ कर रहे हैं 2:1। 2:1 क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ दो ही इनपुट देने हैं उस मल्टीप्लेक्सर को। दूसरा इनपुट कौन सा होगा, जो हमारा पैरेलल डेटा जाएगा, ठीक है। तो यानी कि डी इन हम यहाँ से यदि एंट्री कर रहे हैं तो पहली बिट इसकी यहाँ पे रखेंगे, दूसरी यहाँ पे, ठीक है। और इसका आउटपुट हम इससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो इनपुट ये रहेंगे, कौन से, एक तो डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट और जो इनपुट है उसकी सेकंड बिट, और इसका आउटपुट जाएगा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में। और यहाँ पे रहेगी कितनी सेलेक्ट लाइन, 2:1 मक्स में कितनी सेलेक्ट लाइन होंगी, एक। क्यों, क्योंकि 2n सेलेक्ट लाइन होती है, जहाँ पे n क्या होता है नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन। तो यहाँ पे क्या है 2n, टू नंबर ऑफ इनपुट्स, पता है ना आपको, ये तो पता ही होगा, पहले की वीडियोस में आपको बहुत बार बताया है नंबर ऑफ इनपुट्स क्या होता है 2n = 1। 2n क्या होता है नंबर ऑफ इनपुट और 1 क्या होता है आउटपुट, ठीक है। ये होता है ना मल्टीप्लेक्सर का आपका नोटेशन, तो 1 इनपुट 1 आउटपुट होता है, 2n इनपुट्स होते हैं, और यहाँ पे जो n होता है ये क्या होता है नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन, ठीक है। तो जब यहाँ पे 2:1 मार्क्स यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या है 2n, यहाँ पे जो इनपुट्स हैं आपके वो कितने हैं 2, इसे हम 2n भी कह सकते हैं। तो 2n मतलब सेलेक्ट लाइन कितनी हुई 1, तो एक ही यहाँ पे सेलेक्ट लाइन होगी, ठीक है। अब हमें और भी मक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, क्यों, क्योंकि हमारा डायग्राम आगे तक जा रहा है। फिर यहाँ पे भी आपको एक मक्स यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे 2:1 मक्स यूज़ करेंगे, कितनी यूज़ कर रहे हैं हम 3, 2:1 मक्स यूज़ कर रहे हैं 3, नंबर ऑफ मक्स इज 3। अब डी इन पहली बिट आपकी ये हो गई, फिर ये और ये, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आउटपुट हो गया, यहाँ पर इस पर हो गया। अब सेलेक्ट लाइन आप सबकी कॉमन ले लीजिए, कि क्या है सिलेक्ट लाइन, ठीक है। अब चूंकि आपका ये है एक रजिस्टर, तो यहाँ पे आप क्लॉक दोगे साइमल्टेनियसली, सबको क्लॉक दोगे, सबको हमने साइमल्टेनियसली एक साथ क्लॉक दे दी। पॉजिटिव एस्ट्रिंग ले रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे बबल नहीं बनाया, पॉजिटिव एस्ट्रिंग पर आउटपुट चेंज होगा जब हम क्लॉक देंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या इसका ऑपरेशन है, कैसे वर्क करता है। तो देखिए हमारा डेटा है, इनपुट डेटा गोज इनटू द डिवाइस पैरेलली, पैरेलल डेटा है, ठीक है। तो सपोज कीजिए दिस इज अ 4-bit रजिस्टर, सो वी गेस 4-bit डेटा, लेट इट बी 1011,
आप कुछ भी गेट कर लीजिए, कुछ भी आप एज्यूम कर लीजिए, 1011 मैंने ले लिया है, तो 1011 का मतलब है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। ये इस तरह से डेटा है 1011। अब ये कैसे जा रहा है, पैरेलली जा रहा है। कब जाएगा पैरेलली डेटा डिवाइस के अंदर, एक्चुअली ये है आपका सेलेक्ट लाइन, एक सेलेक्ट लाइन है, इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो फॉर यू कैन राइट फॉर स्टोरिंग द डेटा इन टू द डिवाइस यू विल टेक सेलेक्ट लाइन 0। सेलेक्ट लाइन की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 या 1। जब 0 होगी तो कौन सा इनपुट सेलेक्ट होता है, मक्स का क्या ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लेक्सर का ऑपरेशन क्या होता है। ये मैंने आई नॉट ले लिया, ये मैंने I1 ले लिया, ये आपका आउटपुट है, यहाँ पे सेलेक्ट लाइन है। तो क्या इसका ऑपरेशन होता है, जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो इनपुट कौन सा लिया जाएगा, आई नॉट। जब सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 1 होगी तो इनपुट कौन सा लिया जाएगा, I1, ठीक है। और आउटपुट क्या आएगा, जब सेलेक्ट लाइन 0 होगी तो क्यू क्या होगा, आई नॉट। जब सेलेक्ट लाइन, क्योंकि क्यू क्या होता है 2:1 के केस में, सेलेक्ट लाइन की वैल्यू आप ले लीजिए ए, मान लो इसे ए बार आई नॉट प्लस ai1, ये मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट आता है 2:1 में। ये आपको मैंने बहुत पहले की वीडियोज जो बताई हुई है, आई थिंक सेकेंड यूनिट है वो, है ना। तो सेकेंड यूनिट में मैंने आपको पूरा मल्टीप्लेक्सर का ऑपरेशन बताया है कि कैसे इसका आउटपुट आता है, कैसे इसकी सेलेक्ट लाइन की वैल्यूज लेते हैं। तो आउटपुट क्या होता है इसमें, ए बार आई नॉट प्लस ai1, ए को मैंने सेलेक्ट लाइन मान लिया है। तो जब हमारा सेलेक्ट लाइन 0 है, ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, i0 आएगा। जब सेलेक्ट लाइन 0 है, यानी कि ए जब 0 है, तो यहाँ पे जब 0 रखोगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, i0 आ जाएगा, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, i0 आ जाएगा जब सेलेक्ट लाइन 0 है। जब सेलेक्ट लाइन 1 है, मतलब a1 है, तो वैल्यू क्या आएगी, i1, ठीक है। यानी कि सेलेक्ट लाइन जब 0 है तो सेलेक्ट होगा इनपुट i0, जब सेलेक्ट लाइन 1 है तो सेलेक्ट होगा इनपुट i1। उसी तरह से जो सिलेक्ट होगा इनपुट वही आउटपुट पे आता है, मल्टीप्लेक्सर में यही होता है, जो भी इनपुट सिलेक्ट होगा वही आउटपुट पे आ जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्ट लाइन जब आप 0 करोगे तो कौन सा इनपुट सिलेक्ट होगा, पहला वाला। पहला वाला का मतलब है, यदि आप इसे i0 ले रहे हैं और इसे i1, ठीक है, इसी तरह से बाकी सब में भी, तो i0 पे पहला इनपुट है तो कौन सा इनपुट जाएगा, यानी कि 0। ये 0 कहाँ जाएगा, आउटपुट पे आ जाएगा, कब, जब सिलेक्ट लाइन 0 रखेंगे आप, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट लाइन 0 रख ली है, तो जो भी इनपुट यहाँ पे दिया हुआ था आपने, वो आपका कहाँ आ गया, आउटपुट पे आ गया। तो यहाँ 1 दिया हुआ था, ये 1 आ गया, यहाँ 1 दिया हुआ था, ये 1 आ गया, यानी कि पहला वैल्यू जो इनपुट पे था वो वैल्यू आउटपुट पे एज इट इज आ गई है। तो जब D2 की वैल्यू 0 है, D3 कितना है, 1 है, अब इसका मतलब क्या रिजल्ट मिला हमें यहाँ पे, सेलेक्ट लाइन 0 लेते ही D3 कितना हो गया, 1, D2 कितना हो गया, 0, D1 कितना हो गया, 1, और D0 कितना हो गया, 1। यानी कि जो डेटा था वहाँ पे, जो पैरेलली आपने डेटा लिया था, वो डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे आ गया, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर से पास होके वो डेटा कहाँ आ गया, आपका डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर आ गया, ठीक है। अब जैसे ही आप एक क्लॉक पल्स देंगे, वन क्लॉक पल्स जैसे ही आप देंगे, वैसे ही पूरा डेटा, मतलब ये जो 1 है ये कहाँ पहुँच जाएगा, इस डिवाइस के अंदर, डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर पहुँच जाएगा 1, Q3 कितना आ जाएगा, 1, Q2 कितना आ जाएगा, 0, Q1 कितना आ जाएगा, 1, और Q0 कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में प्रेजेंट स्टेट जो नेक्स्ट स्टेट होती है वही आपका इनपुट होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेट आपकी क्या आएगी, जो इनपुट है, यानी कि जो 1 है वो Q3 पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 क्लॉक पल्स देते ही आउटपुट पर आ गया Q3 पर, Q2 पे, Q1 पे और Q0 पे, क्या आ गया, जो डेटा आपने पैरेलली लिया था। तो ये डेटा हमारा पैरेलली आपका स्टोर हो गया किसमें, डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर, मतलब रजिस्टर के अंदर स्टोर हो गया पूरा डेटा एज इट इज, ठीक है। तो या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि रजिस्टर के आउटपुट पे आ गया, Q3 पे आ गया, Q2 पे, Q1 पे और Q0 पे, चारों बिट्स आ गई। एक बार और बता देती हूँ पूरा, फाइनली हमने क्या करा है, यहाँ पे 4-bit रजिस्टर यूज़ किया है, ठीक है। तो 4 फ्लिप फ्लॉप मैंने यूज़ की हैं, और सारी फ्लिप फ्लॉप के लिए हमने स्टार्टिंग में यूज़ कर लिया है मल्टीप्लेक्सर। पहले को तो हम एज इट इज़ देंगे डेटा, लेकिन यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे। हमने यूज़ कर लिए 2:1 मक्स, और 2 इनपुट्स कौन से होंगे इसके, यहाँ पे इसका आउटपुट रहेगा, यहाँ पे आपका इसका डेटा जो पैरेलल आपने डेटा लिया है,
ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे Q2 रहेगा इनपुट पहला और दूसरा इसमें इनपुट, इस तरह तीसरे वाले की बात है। और आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे आप दोगे सभी को तीनों को कॉमन सेलेक्ट लाइन, ठीक है। अब आपको डेटा को स्टोर करने के लिए सेलेक्ट लाइन की वैल्यू जीरो लेनी होगी। सेलेक्ट लाइन की वैल्यू जब जीरो लोगे तो क्या होगा, जो पहली वैल्यू है आई नॉट वो आउटपुट पर आ जाएगी, ठीक है। यानी कि D2 पे क्या आ गया, अब जो इनपुट पे था जीरो, जीरो आ गया। D3 पे क्या आ रहा था, वन, वो तो डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। D1 पे क्या आ गया, वन, और D0 पे क्या आ गया, वन, ठीक है। अब जैसे ही आपने एक क्लॉक पल्स दी वैसे ही सारा डेटा पूरी फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो गया, रजिस्टर के आउटपुट पर आ गया 1011। ये तो बात रही इसमें पैरेलली इन की, ठीक है, पैरेलल डेटा कैसे इन होता है। ठीक है, तो अब रिजल्ट क्या मिला मुझे, मुझे रिजल्ट मिला है 1 clock pulse, ठीक है। तो यहाँ पे 1 clock pulse चाहिए डेटा को स्टोर कराने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट थिंग, मैं इसको रफ कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये डस्टर ऐसे आ रहा है आजकल कि ये रफ ही हो जाता है, पूरा निकल ही जाता है इसका। अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा, सीरियली आउट करना है डेटा। तो डेटा सीरियल आउट कैसे होगा, आपको इसके लिए फॉर सीरियली आउट डेटा यू विल टेक सिलेक्ट लाइन 1, ठीक है। 0 किस लिए ली थी हमने, डेटा को स्टोर करने के लिए, और डेटा को गेट करने के लिए रजिस्टर से हम सिलेक्ट लाइन लेंगे 1। सिलेक्ट लाइन 1 लेते ही मक्स का कौन सा इनपुट सिलेक्ट होगा, I1। I1 कहाँ जाएगा, आउटपुट पे, ठीक है। तो I1 पे क्या है, यहाँ पे आप देखिए Q3 है, Q3 इज कनेक्टेड टू I1, ठीक है। तो आउटपुट पे क्या आएगा, Q3, ठीक है ना। Q3 पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ जाएगी, और जैसे ही आपने सिलेक्ट लाइन 1 ली है तो वैसे ही वैल्यू I1 कहाँ जाएगी, आउटपुट पर जाएगी, लाइक दिस। यहाँ पे क्या जाएगा, Q2, यहाँ पे क्या जाएगा, Q1, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब रिजल्ट रहा आपका Q3 की वैल्यू हो गई D2, Q2 की वैल्यू हो गई D1, और Q1 की वैल्यू हो गई D0, ओके। और Q3 ये पहले से आ रहा था हमारा, यानी कि D2 कितना आ गया, 1, D1 कितना आ गया, 0, D0 कितना आ गया, 1, 101 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब आपको सीरियली आउट करना है डेटा, डेटा को सीरियली गेट करने के लिए Q0 पे तो जो वैल्यू है 1, यहाँ पे आ गया आपका 1 वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ठीक है। तो Q0 पे जो 1 है वो तो आपका एज इट इज़ है, वो तो आप एज इट इज़ उठा लोगे क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, इसमें तो कोई क्लॉक पल्स की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 1 आ रहा है, आप इसे गेट कर लोगे, इसे आप निकाल लोगे सीरियली आपने निकाल लिया इस डेटा को, Q0 को निकाल लिया, 1 को निकाल लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, सेकेंड क्लॉक पल्स देने से पहले, नहीं अभी इसमें एक भी क्लॉक पल्स नहीं दिया हमने, जो पहली क्लॉक पल्स दी थी स्टोर करने के लिए डेटा, अब हम दूसरी क्लॉक पल्स देंगे, ठीक है। दूसरी क्लॉक पल्स देने से पहले वैल्यू क्या है, D2 की वैल्यू है 1, D1 की वैल्यू कितनी है, 0, और D0 की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। अब जैसे ही आप सेकंड क्लॉक पल्स दोगे वैसे ही ये जो 1 है वो कहाँ जाएगा, Q2 पे। आप सेकंड क्लॉक पल्स देते ही Q2 कितना हो गया, 0, सॉरी 1 हो गया, ठीक है। ये जो 1 था वो कहाँ पे आ गया, Q2 पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि D2 की जो वैल्यू है वो Q2 पे आ जाएगी क्लॉक पल्स देते ही। तो D2 पे जो 1 था वो कहाँ गया, Q2 पे, और Q1 पे क्या आ गया, 0, और Q0 पे क्या आ गया, 1। अब आप देख रहे हो Q0 पे जो 1 आया, ठीक है, नेक्स्ट जो 1 आया नेक्स्ट, आप इस 1 को गेट कर लोगे सीरियली, ठीक है। आप थर्ड क्लॉक पल्स देने से पहले आप देखिए D1 कितना है, D1 की वैल्यू क्या है, जो Q2 की वैल्यू है, Q2 की वैल्यू कितनी है, 1, तो D1 कितना हो गया, 1, और D0 कितना हो गया, जो वैल्यू Q1 की है, तो वैल्यू कितनी है, 0, Q1 की नई रिसेंट वैल्यू क्या आई है, 0, तो D0 की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है। अब थर्ड क्लॉक पल्स देने के बाद थर्ड क्लॉक पल्स जैसे ही आप दोगे वैसे ही जो D1 की वैल्यू है 1 वो कहाँ जाएगी, Q1 पे, तो Q1 कितना हो गया,
वन, और क्यू नॉट कितना हो गया, ज़ीरो। ठीक है, तो आपने इसको फिर से आउट कर लिया, यानी कि पहला हमारा वन वो तो आ चुका था, फिर हमने दूसरा वन निकाल लिया, फिर हमने ज़ीरो निकाल लिया, यानी कि अब अभी तक हमारा जो डेटा था वो क्या था, हमारा डेटा 1011 था, ये वाला वन हमने गेट कर लिया आउटपुट पे, ये वाला वन हमने गेट कर लिया, ये वाला ज़ीरो हमने गेट कर लिया। ठीक है, ये वाला वन बचा है अभी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है Q1 की, ये वैल्यू किसकी वैल्यू है, डी नॉट की, क्योंकि डी नॉट कनेक्टेड है Q1 से, तो डी नॉट कितना आ गया, वन, बिफोर गिविंग फोर्थ क्लॉक पल्स। अब जैसे आप फोर्थ क्लॉक पल्स दोगे, ठीक है, फोर्थ क्लॉक पल्स देने के बाद क्या होगा, जो आउटपुट है क्यू नॉट कितना आ जाएगा, वन। तो अब आपको लास्ट वाला जो वन है वो भी रिसीव हो जाएगा आउटपुट पे। ठीक है, तो पहली क्लॉक पल्स जो दी थी हमने डेटा को स्टोर करने के लिए, और बाकी के जो तीन क्लॉक पल्स दिए हमने वो डेटा को गेट करने के लिए, आउटपुट पे गेट करने के लिए वो हमें देनी पड़ी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। टोटल हमें यहाँ पे इस रजिस्टर के लिए 4 क्लॉक पल्स वी नीड। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें सीरियली डेटा आउटपुट पे गेट कर रहे हो, मतलब जो डेटा आपका स्टोर हो गया यहाँ पे, क्या क्या स्टोर हो गया था एक बार मैं समरी बता देती हूँ आपको पूरे रजिस्टर की। हमारा डेटा जो स्टोर हुआ था 1011 स्टोर हुआ था, मतलब आउटपुट पे था ये वन, ये वन यहाँ था, ये जीरो जो स्टोर है वही आउटपुट पे आएगा, ये वन यहाँ था और ये वन यहाँ था। ठीक है, तो ये वाला वन तो आपने एज इट इज गेट कर लिया। ये वाला वन कैसे गेट किया आपने, ये वाला वन इससे कनेक्टेड है, Q1 डी नोट से कनेक्टेड है, सेलेक्ट लाइन वन ले रखी है, तो ये वन कहाँ आ गया, नेक्स्ट क्लॉक पल्स देते ही यहाँ पर आ गया। फिर ये वाला जीरो कहाँ आया, ये वाला जीरो यहाँ पर आ गया, अगली क्लॉक पल्स देते ही वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर इस तरह से ये वाला वन भी आ गया। तो इस तरह से आप इसे डेटा को सीरियली मतलब कैस्केड फॉर्म में आप इसे गेट कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन है आपका पीसों का। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको पीसों। आप एक टॉपिक और देख लीजिए इसमें, लास्ट शिफ्ट रजिस्टर वो है आपका पैरेलल इन पैरेलल आउट। लास्ट फोर्थ रजिस्टर पैरेलल इन पैरेलल आउट। पैरेलल इन पैरेलल आउट का मतलब क्लियर हो रहा है कि इसमें डेटा कैसे जाएगा, पैरेलली डेटा जाएगा, और आप डेटा इसमें गेट कैसे करेंगे, पैरेलली। हम यहाँ पे भी 4-bit रजिस्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो डेटा हम पैरेलली दे रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नीडेड नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे सीरियल आउटपुट नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट पैरेलल आउटपुट चाहिए। क्लॉक पल्स साइमल्टेनियसली आप सबको दे दोगे, ये है आपका D3, तो जो डेटा है आपका, यदि मैं उस डेटा को मान लूँ I की टर्म्स मान लेती हूँ, I3 I2 I1 एंड I0, मैंने लेट कर लिया है डेटा I3 I2 I1 I0, ये डेटा मैंने पैरेलली इस डिवाइस में दे दिया, D3 पर, D2 पे, D1 पे एंड D0 पे। ठीक है, और आउटपुट हम गेट कर रहे हैं लाइक दिस, Q3 Q1 Q0 एंड Q0, ये है आपका पैरेलल आउटपुट, और ये है आपका पैरेलल इनपुट। ठीक है, तो ये है इसका पैरेलल इन पैरेलल आउट का डायग्राम। जैसे ही आप फर्स्ट क्लॉक पल्स देंगे, जैसे आप एक क्लॉक पल्स देंगे, वैसे सारा डेटा कहाँ, I3 पे जो डेटा है वो कहाँ पहुँच जाएगा, इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर, आउट Q3 पे क्या आ जाएगा, I3 जो वैल्यू स्टोर थी वो आपकी Q3 पे आ जाएगी। इस तरह से जो I2 पे था वो Q2 पे आ जाएगा, जो I1 पे था वो Q1 पे आ जाएगा, जो I0 पे था वो Q0 पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्लॉक पल्स, एक क्लॉक पल्स देते ही जो डेटा यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है ना, इनपुट पे, वो आपका आउटपुट पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक क्लॉक पल्स देते ही सारा डेटा आपका स्टोर हो गया, पूरा डेटा पैरेलली डेटा स्टोर हो गया इस रजिस्टर के अंदर। तो ये आपका इसमें स्टोरिंग के लिए हमने कितनी क्लॉक पल्स की नीड है, 1 क्लॉक पल्स की। अब आउटपुट पे आपको डेटा गेट करना है, तो आउटपुट पे तो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो डेटा, क्योंकि जो भी डेटा आपका आया वो अब आउटपुट पे आ गया, स्टोर हुआ मतलब आउटपुट पे आ गया। जो भी डेटा आपका यहाँ पे था वो कहाँ आ गया, Q2 पे, यहाँ Q1 पे और Q0 पे, तो ऑलरेडी डेटा है, तो
तो आपको सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन लगा के आपको डेटा यहाँ से ले लेना है, नो क्लॉक पल्स इज नीडेड हेयर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे टोटल कितनी क्लॉक पल्स नीडेड है, वन, ओनली वन टू स्टोर द डेटा, एंड टू गेट द डेटा वी नीड जीरो क्लॉक पल्स, क्योंकि डेटा तो ऑलरेडी आउटपुट पे आ चुका है। तो ये ऑपरेशन है आपका पीपो का। एंड इन नेक्स्ट वीडियो यू वी विल स्टडी यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर एंड देन ASM चार्ट। तो इस तरह से आपका यूनिट ए फिनिश हो जाएगी, यूनिट थर्ड। तो इसमें कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए मुझे। आई होप मैं उसे देखती हूँ और फिर से सॉल्व करती हूँ, ठीक है। थैंक यू।